अमिताभ जी, पहले आपसे बात शुरू करो, फिर राजनीतिक अखाड़े में जाता हूं। देखिए, जाति नहीं होनी चाहिए, जात का भेद नहीं होना चाहिए। सब लोग हिंदू हैं, सब लोग भारतीय हैं, या सब लोग मानव हैं, ये सारी बातें अच्छी हैं और मंचों से हम आप सब कहते हैं, नेता भी कहते हैं क्या, लेकिन सच्चाई ये है कि जात के बिना सियासत नहीं चल सकती, बाकी कुछ भी चल जाए क्या। धर्म आप दिन में 3 दफे बदल सकते हैं क्या, जात मरने तक नहीं बदलती ना। और बड़ी चीज जो मैं आज बहस इस पर करना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में जितने राजनीतिक दल हैं, चाहे वो एनडीए में हो चाहे एनडीए के विरोधी में हो, बीजेपी को छोड़कर सब एक पाले में खड़े हो गए कि भाई जात गिनाओ। अमिताभ जी, इसको कैसे देख रहे हैं और इसका यूपी की पॉलिटिक्स के करेक्टर पर क्या असर पड़ेगा? क्या ये 33 साल पहले का जो दौर था उसकी पुनरावृत्ति है मंडल पार्ट 2? बिहार और यूपी में काफी इंपॉर्टेंट रोल है जाति का जी, और जैसा आप कह रहे हैं इसमें एनडीए के जो घटक दल हैं वो इसका विरोध कर नहीं सकते अगर कोई कास्ट सेंसस की बात होती है तो। हाँ, बीजेपी जरूर प्रिंसिपली इसका विरोध कर रही है क्योंकि वो इस ट्रैप में नहीं फंसना चाहती। देखिए, एक ट्रैप है पॉलिटिक्स जो है, इलेक्शंस जो है वो एक शतरंज की गेम जैसा है, एक चाल चला जाता है आपको फंसाने के लिए और उससे निकल करके आपको अगला चाल चलना होता है जिसमें विपक्ष जो है या जो आपका ओपोनेंट है वो फंस जाए। अब बीजेपी के पास बिना कास्ट सेंसस के 44% ओबीसी वोट कर रहे हैं तो वो क्यों कास्ट सेंसस करवा करके अपने अपने वोट ब्लॉक जो है उसका आज उसके पास सारी जातियों का समर्थन है। 61% अपर कास्ट, 58% ओबीसी, 41% एससी और 49% एसटी, ये एनडीए को सपोर्ट किया था इन्होंने 2019 में। तो जातिगत सारी जातियां बीजेपी को सपोर्ट कर रही हैं मूलतः। अब वो हिंदुत्व के नाम पे हो, नेशनलिज्म के नाम पे हो, पीएम मोदी पिछड़े जाति से आते हैं उसके नाम पे हो, बहुत सारे कारण हैं। अब इसमें बीजेपी अब इसमें देखना पड़ेगा कि विपक्ष इसको अगड़ा वर्सेस पिछड़ा की लड़ाई कैसे इस नैरेटिव को ड्राइव कर पाता है, क्योंकि जाति में भी जब हम देख रहे हैं तो जब बिहार का कास्ट सेंसस आया है उसमें बीसी और ओबीसी है, करेक्ट, और बीसी ओबीसी एससी एसटी मिला के 84% है, लेकिन बीसी और ईबीसी ये कोई होमोजीनियस वोट ब्लॉक तो है नहीं, ये एक वोट ब्लॉक तो है नहीं। आज बीसी आरजेडी और जेडीयू के पास है लार्जली, और ईबीसी वोट ब्लॉक यूपी में भी और बिहार में भी लार्जली बीजेपी के पास ऑलरेडी है। तो ये वोट ब्लॉक क्या आरजेडी जेडीयू समाजवादी पार्टी जैसी पार्टियों के पास वापस चला जाएगा सिर्फ इस स्लोगन पे कि भाई आपकी जातिगत गणना हम करेंगे? अमिताभ भाई, आऊंगा दोबारा आपके पास। तमजीद अहमद साहब भी जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, अहमद साहब का भी स्वागत है, दोबारा आऊंगा मैं अमिताभ भाई, तब इस बात को मैं दूसरे ढंग से समझता हूं, उस पर चर्चा करेंगे आपसे। कि मसला नहीं है ना कि जात की गणना कराएंगे क्या, हमने मंडल देखा, मंडल से पहले नेताओं की हैसियत देखी, मंडल के बाद देखी, मंडल से पहले लालू यादव मुलायम सिंह यादव उतने बड़े नेता नहीं थे, ना अशोक गहलोत उतने बड़े नेता थे क्या, भूपेश बघेल तो थे ही नहीं कुछ, लेकिन मंडल ने इन सबको आसमान पर पहुंचा दिया कि नहीं पहुंचा दिया? राजनीति बिल्कुल 360 डिग्री पर घूम गई भाई। मसला ये नहीं गिनती का, मसला ये है और नैरेटिव मेरी समझ के ये बनेगा। आप सोच सकते हो, जो कांग्रेस कहा करती थी जात पे ना पात पर मोहर लगेगी, हाथ पर इंदिरा जी की बात पर, वो सपा से ज्यादा ऊंची आवाज में, आरजेडी से ज्यादा ऊंची आवाज में कह रही कि जात पर ही खेल होगा सारा, 1 इंच जात से नहीं हट सकते अब हम, कुछ तो उन्होंने भी सोचा होगा। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि मसला जो मेरी समझ में आ रहा, आरक्षण 63% भागीदारी है, आरक्षण बढ़ाएंगे, ये ऐसा गुलगुला है जो मेरी समझ कहती चलेगा क्या। हाँ, आरक्षण इस देश में सबसे सेंसिटिव मसला है। खैर, मनोज यादव जी, उत्तर प्रदेश की राजनीति में, बिहार में जो जात की गिनाई हुई उसका जो गणित आया सामने,
उससे क्या असर देख रहे हैं, एक, और दूसरा समाजवादी पार्टी जिसे कल अखिलेश यादव ने कहा कि बिहार के आंकड़ों ने बता दिया कि देश की राजनीति को संचालित करने का काम अब पीडीए करेगा, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। मनोज जी, नहीं देखिए अमिताभ जी, निश्चय ही जो कल जनगणना हुई है, जो सर्वे के तहत जातियों का आंकड़ा आया है, वो बड़ा सुकून देता है। सुकून इस बात का नहीं देता है कि हमारी संख्या बड़ी है, मैं अगर पिछड़ा हूं तो हमारी संख्या बहुत ज्यादा है, 63% है, इस बात का सुकून नहीं देता है। सुकून इस बात का देता है जो इस देश में एक नई ट्रेंड सेट किया गया राजनीति का, कि अमुक जाति ने सबसे ज्यादा आरक्षण का लाभ ले लिया, अमुक वर्ग ने सबसे ज्यादा आरक्षण का ये ले लिया, बिना आरक्षण के इनको इतना संसाधन पे इनका कब्जा हो गया। ये लड़ाई खत्म होने का प्रयास, ये लड़ाई खत्म होनी चाहिए। और मुझे खुशी है इस बात की कि बिहार में 10.5% और मुस्लिम पावर्ड मिला के टोटल 15.5% पावर्ड को 33% लोकसभा की सीटों पे उनको एकाधिकार मिला हुआ है, वो जीते हुए सांसद। ठीक कमोबेशी उत्तर प्रदेश में भी यही स्थिति है कि 33% फॉरवर्ड सांसद है उत्तर प्रदेश में, कमोबेशी आंकड़ा 15% के आसपास यहां भी है। अब हमारी बात ये नहीं है, हम ये पूछ रहे 63 वालों का कितना आंकड़ा है भैया, 63 वालों को कुछ मिला कि सिर्फ ढपली बजा रहे हैं सुबह शाम, सिर्फ हम राम नाम कहते हुए चले जा रहे हैं और हमारा हक अधिकार हमारे बड़े नेता को नहीं मिल रहा, तो आम जनता को क्या स्थिति है। अब सबसे बड़ी बात बताता हूं, योगी आदित्यनाथ जी हो या प्रधानमंत्री जी, दोनों लोग उत्तर प्रदेश के डेवलपमेंट की और वो देश के डेवलपमेंट की बात करते हैं। मोदी जी ने आज कहा कि इस देश में सबसे बड़ी जाति गरीबी है, मैं अमिताभ जी इस बात से बिल्कुल 100% सहमत हूं, लेकिन बताओ भैया ये गरीब है कौन, अमिताभ अग्निहोत्री के परिवार के लोग, या कोई रामधीन गौतम के घर के, या कोई पाल साहब के घर का कोई गरीब है, इसका तो आंकड़ा होना चाहिए। ठीक, ये आंकड़ा ठीक मनोज यादव, ठीक है ठीक है, ठीक रुकना होगा, अभी रुक जाओ, मैं अहमद साहब के पास चलू। उससे पहले जो बात मनोज ने कही उस पर एक टिप्पणी कर दूं, चीजें इतनी सरल भी नहीं, उतनी अच्छी भी नहीं, विद्रूपताएं हैं। एक तरफ इशारा कर दूं जो चर्चा में नहीं आया सोशल मीडिया पर, क्योंकि हम लोग ज्यादातर मटेरियल वहीं से डिराइव करते हैं। कहा गया था आर्थिक स्थिति की जानकारी के लिए ये जाति आधारित सर्वे करा रहे हैं। अमिताभ तिवारी थोड़ा गौर करिएगा, आगे आपके काम आएगा यह। ठीक, बहुत बेहतर और बहुत ईमानदारी ज्यादा हो जाती अगर ये भी बता देते आपने मुसलमानों में भी 36 जातियां बताई, उनकी आर्थिक स्थिति भी बता देते तो एक बात समझ में आती, अगले पिछड़े सब की बता देते। क्योंकि आपने कहा तो यही था कि आर्थिक समस्या है उसको समझने के लिए ये सर्वे करा रहा है, इसका राजनीति से मतलब नहीं। लेकिन नैरेटिव कहां सेट हो गया, चतुराई यहां पर आती, नैरेटिव कहां सेट हो गया, कितने ठाकुर विधायक हैं और कितने बामन सांसद हैं। नैरेटिव या सर्वे जब कराने की विधानसभा में गई थी और उस वक्त बीजेपी और नीतीश की पार्टी दोनों इस सरकार में थे, उसी सरकार ने इस जाति जन आधारित सर्वे को अप्रूव किया था, आरजेडी नहीं थी तब सरकार में, लेकिन आर्थिक वाला छूट गया और इधर वाला जारी होगा, यह भी एक खेल है। खैर, तमजीद अहमद साहब, हम लोग सुनते थे नारा लगता था गली गली में कि जात पे ना पात पर मोहर लगेगी हाथ पर, इंदिरा जी की बात पर, क्या जब इंदिरा जी जिंदा थी। अब राहुल गांधी ने कह दिया कि ना सब काम छोड़ो, केवल जात पर बात करेंगे। और बिहार के उससे उन्होंने कितना 84% या कुछ बताया कि मामला जो है वो इधर है 84% का। मुझे लगता है कि कांग्रेस कंपटीशन कर रही है आरजेडी जेडीयू समाजवादी बीएसपी जैसे रीजनल फोर्सेस से। नमस्कार जी साहब जी और सारे पुलिस को मैं नमस्कार जी। देखिए किसी भी तरीके का कोई कंपटीशन नहीं है जी, इंडिया चाहे वो जेडीयू हो चाहे वो आरजेडी हो चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, इंडिया के अभिन्नंग है। तो जो एक विचार जो उत्पन्न हो रहा है ये इंडिया का विचार उत्पन्न हो रहा है, ये किसी एक दल का और किसी एक पार्टी का ये विचार नहीं है। देखिए आपने एक बात कही कि कांग्रेस का ये नारा था कि जात पे ना पात पे मोहर लगे हाथ में, तो आज भी हमारा वही नारा है। अगर हम मांग कर रहे हैं, अगर हम डिमांड कर रहे हैं, और ये कास्ट सेंसस कोई नई चीज नहीं है,
हम डिमांड कर रहे हैं कि ये पता तो चले कि गरीब की जो आबादी प्रधानमंत्री जी बता रहे हैं वो गरीब है कौन, तो ये पता करने में किसको क्या दिक्कत है मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ, हम लोग तो ये मान के चल रहे थे कि जिस समय कास्ट सेंसस आएगा बिहार का तो हमें तो लग रहा था कि भाजपा इसका स्वागत करेगी और तुरंत पूरे देश के अंदर कास्ट सेंसस और अपने प्रदेशों में जहां सरकार है तुरंत कास्ट सेंसस लागू कर देगी, क्योंकि इनका खुद का भी मुद्दा था। इन्होंने जब 2014 का चुनाव लड़ा तो यही बता के चुनाव लड़ा ना कि ओबीसी है, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ओबीसी है। तो हम लोग को बड़ा आश्चर्य ये है कि ऐसा कैसे हो रहा है कि भाजपा इस मुद्दे के विरोध में उतर आई है। भाजपा को तो बकायदा दोनों हाथों से इस मुद्दे को लपकना चाहिए था और कहना चाहिए था नहीं ये हम खुद लेके आए थे और ये हमारी, हमने खुद बिहार में हम सरकार में थे और इसको लेके और दूसरे और प्रदेशों में जाना चाहिए था, ना कि भाजपा विरोध में आ गई है। देखिए एक बात स्पष्ट है अमिताभ जी कि अब देश का जो हर वर्ग है वो सिर्फ राशन में भागीदारी नहीं चाह रहा है, शासन में भागीदारी चाह रहा है। जब राहुल जी कह रहे हैं कि 90 में से सिर्फ 3 सेक्रेटरीज हैं जो ओबीसी वर्ग से आते हैं तो इसमें बहुत, इसमें किसी के हम विरोध नहीं बोल रहे हैं, ठीक है, हम तो सिर्फ हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं कि 90 में, अच्छी में अगर 3 सेक्रेटरी हैं तो 3 सेक्रेटरी क्यों हैं। ठीक, अब मैं सूर्य प्रकाश मैथिल के पास चलूंगा लेकिन दो बातें कांग्रेस के वक्तव्य पर कह दूं। इतना भी गोलमोल नहीं किया करो, थोड़ा थोड़ा रखो, एकदम गोलमोल कर देते तो फिर मुझे फिर उलझन होती है कोई पार्टी हो भैया। आप बड़े ओबीसी के समान, अरे रुको भाई, तथ्य पर बात करो या दाएं बाएं नहीं भागो। आप बड़े समर्थक हो ओबीसी के, आपको लो याद नहीं होगा जब मंडल लागू हुआ तो राजीव गांधी खड़े हुए थे लोकसभा में और उन्होंने कहा थे गलत है, नहीं होना चाहिए, वो उनका बोलना और कांग्रेस के रसातल में जाना तय हो गया उसी दिन से और कांग्रेस 400 से 44 पे पहुंच गई। आप पिछड़ों के चैंपियन हो रहे, बता रहे हमारे तो रक्त में है पिछड़ा बात है, गजब कर रहे हो भाई। महासिद्ध रमैया सर्वे करा के गए थे, रिपोर्ट तो जेब में रख के घूम रहे थे, क्यों नहीं जारी कर दी? ये हौसला लालू और नीतीश का ही है मित्र, ये क्रेडिट मत खाओ दाएं बाएं करके ना। मुलायम सिंह भी नहीं कर पाए ये काम, ना अभी नहीं आएंगे, जब अवसर आएगा तब बोलेगा। मुलायम सिंह भी वो काम नहीं कर पाई यूपी में, मायावती नहीं कर पाई जो लालू नीतीश ने कर दिया, आप कहां उसमें? सिद्ध रमैया ने गिनती कराई, कागज जेब में रख लिया, घर चले गए, क्यों नहीं जारी कर दिया? जब राहुल गांधी की आत्मा में पिछड़ों का इतना दर्द है, गोलमोल नहीं करो भाई, मेरे मंच पर तो भाई गोलमोल नहीं चलेगा ना। हमको सबकी कुंडली पता है मित्र, किसने क्या क्या कहा, इसलिए ऐसी बात नहीं करिए कि हमने तो ये कह दिया कि आपने 2011 में बड़े दबाव में जाति का एक कॉलम जोड़ा, अमिताभ तिवारी को याद होगा क्या? उसके बाद लालू प्रसाद, मुलायम सिंह, शरद यादव आपके मंत्रियों से लोकसभा में कितनी बार टकराए मैंने देखा और उन्होंने कहा नहीं नंबर नहीं आउट करेंगे। आप ही की पार्टी थी क्या? और कौन लोग लड़ रहे थे? लालू, नीतीश और मुलायम सिंह। हम बताएं चिदंबरम ने तब क्या कहा था कि नंबर जारी क्यों नहीं करेंगे, वो कांग्रेस में नहीं है। ऐसा नहीं कहो मित्र, चीजें बहुत सारी हैं, लेकिन हाँ आप ये कहो कि अब हमने अपनी राय बदल ली, अब हम पिछड़ों के साथ हैं, ये बोलो, अच्छी बात है। आप कह रहे हो हम जन्म से ही पिछड़ों के साथ हैं, ये काम ठीक नहीं, ये काम ठीक नहीं, बस यही पर समस्या। खैर, सूर्य प्रकाश मैथिल, आपकी भी एक बात मुझे नहीं समझ में आई, सारे लोग हिंदू हैं, सारे लोग भारतीय हैं, सारे लोग मानव हैं, सारे लोग विश्व के नागरिक हैं, इन सब बातों का मंच से कोई, मंच पर मतलब हो सकता है जमीन पर कोई मसला नहीं होता इन चीजों से? मंडल अध्यक्ष भी जात देख के बनता है क्या? मैंने अपनी शुरुआती उसमें कहा था उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर, सोनेलाल पटेल जी की बिटिया अनुप्रिया और संजय निषाद, ये विश्व के मानव मात्र के प्रेम और सद्भाव के लिए तो इनसे अलायंस नहीं किया गया। राजभर, मल्लाह, निषाद और पटेल वोट साधने के लिए किया गया, यह बात तो तय हो गई। जैसे हमने कांग्रेस को आईना दिखाया वैसे आपको भी बता दे क्या, यह बात तो ठीक है। इसलिए यह तो नहीं चलेगी थ्योरी कि नहीं देखिए देश में तो एक ही है, तो गरीबी और सब में गरीबी नहीं, नहीं। मूल विषय है लोकसभा का चुनाव, 100 दिन बचे भैया और यह भूत आपके पीछे लग गया। मैथिल जी, आपके एनडीए में जो 3 लोग हैं वो भी आपसे अलग खड़े हो गए क्योंकि उनको पता कि इसमें अगर चुप रहे तो लुटिया डूब जाएगी। उत्तर प्रदेश में जितने भी दल हैं
उसमें एक भी दल ऐसा नहीं जो आपकी बात को टो कर रहा हो, सब आपसे दूसरे पाले में खड़े हैं। मैथिल जी धन्यवाद। अमिताभ जी पहले आपको, आपके सभी दर्शकों को, पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और चार लाइनें हैं मेरे कांग्रेस के और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं के लिए। बदले बदले मेरे गमख्वार नजर आते हैं, मलहमे इश्क के दुश्वार नजर आते हैं। तो आज हमारे कांग्रेस के जो मित्र थे वो लगातार ओबीसी ओबीसी चिल्ला रहे हैं, क्योंकि एक रात राहुल गांधी जी को सपना आया कि ओबीसी के लिए हमें कुछ करना है। तो मैं कुछ तथ्य और आंकड़े मेरे मित्र के सामने रख देता हूं। देखिए आपने जो बात कही मैं उसके ऊपर भी आऊंगा। सबसे पहले तो आप यही बता दीजिए तंजीम अहमद जी, आप कांग्रेस के प्रवक्ता के रूप में बैठे हैं, कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी की कार्य समिति के अंदर कितने ओबीसी हैं? अभी बनी है ना, 84 लोगों की समिति है ना, मात्र 16 ओबीसी हैं। और जब ये प्रश्न राहुल गांधी जी संसद में खड़े होकर चिल्ला रहे थे कि 3 ही ओबीसी कैबिनेट सेक्रेटरी पूरे देश में है, तो उसकी प्रकाश में आपको यह भी याद करना चाहिए कि 250 से ज्यादा चीफ मिनिस्टर 60 साल के कांग्रेसी शासन में बनाए गए कांग्रेस के द्वारा, और उनमें से कितने चीफ मिनिस्टर ओबीसी थे भैया? मात्र 48 या 44, 44 45 थे। और भारतीय जनता पार्टी से उलट 68 जो है चीफ मिनिस्टर भाजपा के द्वारा बनाए गए, उनमें से 22 चीफ मिनिस्टर ओबीसी समाज से थे। और मुझे ये बता दीजिए कि ओबीसी जो आयोग था उसको आप जब सत्ता में थे 10 साल, तो आपने क्यों नहीं राष्ट्रीय आयोग का दर्जा दिया? क्यों नहीं ओबीसी को 27% आरक्षण जो भारतीय जनता पार्टी ने मेडिकल में दिया आपने नहीं दिया? तो मेरा ये सब आंकड़े गिनाने का एक ही कारण था अमिताभ जी, ये कि वो कहते ना थोथा चना और बाजे घना, तो वो कंडीशन आज कांग्रेस की है और ये समाजवादी पार्टी के मेरे मित्रों की है। ये कह रहे थे ना कि भैया हम पे आरोप लगते थे कौन सी पार्टी कौन सी जात कितना खा लेती है, कितना उसके पास में संसाधन होते हैं, कितना लाभ लेती है। तो मैं बता देता हूं मेरे मित्र को कि जो एमबाई फैक्टर आप चलाते थे तब भी ओबीसी था उत्तर प्रदेश में, तब भी था, आज भी वो जातियां हैं जो तब थी। उस समय में क्या होता था, पीसीएस की लिस्ट निकलती थी तो 25 पीसीएस सीधा यादव, सीधा यादव, और कोई जाति का नंबर ही नहीं आता था। और मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं, देखिए क्या होता है ना, थ्योरी नहीं प्रैक्टिकल से चलते। तो ये जो है ना, ये हिंदू है, ये जो दिख रहा है आपको ये हिंदू है, 2014 से पहले ये हिंदू बटा हुआ था, ये जाट था, ये गुजर था, ये ब्राह्मण था, ये बनिया था, ये सब थे। 2014 में प्रधानमंत्री जी ने इनको जोड़कर हिंदू बना दिया, ये जात से ऊपर उठ के धर्म और राष्ट्र के लिए बात करने लग गए। और आपकी मैं एक बात से असहमत हूं, आपने कहा कि यह मंच की बात है, तो जब बुआ और बबुआ की जोड़ी उत्तर प्रदेश में आई थी अमिताभ जी, तब भी तो भैया यही था ना कि अरे बाप रे बाप, ओबीसी और दलित मिल गया, सपा बसपा मिल गई, अब तो भाजपा क्लीन स्वीप कर रहा, अब तो भाजपा साफ हो गई। ठीक मैथिल जी, तब क्या हुआ था जी? ठीक एक 20 सेकंड सिर्फ जी। लेकिन जब इनका कोई जादू नहीं चला, कोई नौटंकी नहीं चली, कोई प्रोपोगंडा नहीं चला, तो अब ये ले आइए जातिगत आधारित जनगणना, उससे ये हिंदू है ना इसको तोड़कर कोई दलित तोड़ेंगे, ये कोई ब्राह्मण तोड़ेंगे, ये ठाकुर गया, ये कुशवाहा गया, ये मोची गया, और ये गया। ऐसे कहां तक तोड़ोगे, बहुत सारी जातियां, कई हजार जातियां भारत में, नहीं, सारी डंडी बेकार हो जाएंगी। हाँ यही असलियत है। ठीक है, मैथिल जी, कई हजार जातियां हैं, सारी कितनी डंडी लाओगे, कितनी तोड़ोगे? ठीक है अमिताभ जी, तलवार चलेगी ठीक, तो ये नहीं देखा जाएगा कि कौन सा ब्राह्मण। अब रुक जाओ, एक मिनट रुको। ठीक है, आगे बात काटा जाएगा, आगे एक बार रुक जाइए। ठीक, एक मिनट रुक जाइए। जब मंडल लागू हो गया, ये बात बहुत सबके लिए समझदारी होगी, अमिताभ तिवारी आपके पास आऊंगा, तो बीपी सिंह से मैंने पूछा, कहा कि पूरे देश में अब आप क्या बदलाव देख रहे हो? तो मालूम अमिताभ, उन्होंने मुझसे क्या कहा? उन्होंने कहा कि अग्निहोत्री जी, अब भाजपा को
चाहे तो ना चाहे तो कल्याण सिंह को कंधे पर बैठा चलना पड़ेगा। बोले ये मैंने व्यवस्था कर दी क्या, अब बोले अब चरण सिंह नहीं, अब मुलायम सिंह इस तीसरी धारा के नेता होगा क्या, अब बोले बिहार में लालू रहेगा क्या, और उन्होंने तो दक्षिण के भी कई नाम गिनाए थे हमको, वो तो याद नहीं हमें क्या, उन्होंने कहा ये व्यवस्था कर दी, इसलिए ये कौन हिंदू है, कौन क्या है, कौन भारतीय है, कौन मानव है, ये सब तब भी था क्या। लेकिन माधव प्रसाद त्रिपाठी की जगह कल्याण सिंह की जरूरत पार्टी को पड़ी। अमिताभ तिवारी, माधव बाबू के स्थान पर कल्याण सिंह की जरूरत पड़ी और तीसरी धारा में चरण सिंह को रिप्लेस कर गया उनका लड़का नहीं, मुलायम सिंह यादव क्या। ये मंडल का इफेक्ट था क्या, ये मंडल पार्ट टू है अमिताभ तिवारी जी? मंडल पार्ट टू की कोशिश तो है विपक्ष के द्वारा जरूर जी। अब ये चलेगा कि नहीं चलेगा इस फैक्टर पे डिपेंड करता है कि नैरेटिव क्या चलता है। देखिए आज की डेट में जैसा आपने पिछले सवाल में भी कहा कि रिजर्वेशन बहुत सेंसिटिव मैटर है, ठीक है, तो मान लेते हैं कि अभी जो बिहार का सेंसस ही आया है उसमें 84% ओबीसी एससी एसटी की आबादी है और 16% जनरल कैटेगरी। अब 50% रिजर्वेशन तो ऑलरेडी है ओबीसी प्लस एससी प्लस एसटी और 10% है ईडब्ल्यूएस। अब जब 50 मान लेते हैं कि इस लॉजिक पे हम 50 से 84 कर लेते हैं, ठीक है, ये डिमांड है 50 से 84 बिकॉज जितनी आबादी उतना हक, करेक्ट। बट इसका मतलब ये भी है कि 10% जो ईडब्ल्यूएस की का रिजर्वेशन है उसको 16% करना पड़ेगा, जितनी आबादी उतना हक, करेक्ट। लेकिन रिजर्वेशन जब सबको मिल जाता है तो वो रिजर्वेशन नहीं रहता। आज एक हॉल में 10 सीट वीआईपी के लिए रिजर्व है, करेक्ट, 100 सीटों में से, और कल हो जाए कि भाई ये 100 सीटें सबके लिए रिजर्व है, तो उस रिजर्वेशन का कोई मतलब नहीं होता। तो जो नारा है इसमें इनहेरेंट कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, उसको ही आज प्राइम मिनिस्टर ने पकड़ा है। इसमें माइनॉरिटीज का भी कॉन्ट्रडिक्शन है, क्योंकि इसका मतलब ये भी है कि 14-15% जो देश में माइनॉरिटीज की आबादी है उनको भी उतना हक मिलना चाहिए, मैं उसके फुल्ली सपोर्ट में हूँ, मिलना चाहिए, लेकिन रिलीजन बेस्ड रिजर्वेशन कॉन्स्टिट्यूशन में अलाउड ही नहीं है, करेक्ट। तो और जो आज ईबीसी है, ईबीसी को 27% से अपना रिजर्वेशन बढ़ा करके 50% चाहिए, या आपने ही एक शो में मुझे लगता है दिखाया था कि अभी जो करंट रिजर्वेशन है सिर्फ 10 जातियां 25% जॉब्स और एडमिशंस में उनका कब्जा है, सिर्फ 10 जातियां, या उनको एग्जिस्टिंग 27% में से एक उनके लिए कार्व आउट या उनके लिए जगह चाहिए। ये बहुत बड़ा नैरेटिव, ये नैरेटिव रहेगा बीजेपी का। और जो अगला है कि भाई 50 से 84 कर दिया जाए या 63 कर दिया जाए, ये नैरेटिव रहेगा। मैं मनोज यादव के पास चलूं, लेकिन एक बात, मैं अमिताभ तिवारी बहुत सैद्धांतिक व्यक्ति हैं क्या, भारत की राजनीति ऐसे नहीं चलती क्या, क्या संविधान कह रहा है, क्या व्यवहारिक है, क्या गैर व्यवहारिक है। लोगों ने ये तक कह दिया कि अभिनेत्री का नाम ले दिया, बोले उनके गल जैसी सड़क बना देंगे, चुनाव जीत गए, कि यह संविधान में है कुछ इसका नहीं ना। चुनाव जीतना एक अलग किस्म की आर्ट है भैया तिवारी जी। इतनी सी बात मनोज यादव क्या कहेंगे ये मैं आज बता दूं। मनोज यादव व्यक्ति नहीं, वो वर्ग की, इनकी पार्टी के लोग क्या कहेंगे, एटा एटा हम जाएंगे, वो संविधान और दुनिया की बात नहीं करेंगे, हो सकता कि नहीं हो सकता, कोर्ट क्या कहेगा और संविधान सभा क्या कहेगी, छोड़ो। वो कहेंगे भैया 64% हो, 27 क्यों लेंगे, 64 लेंगे, हमको जिताओ। बोले क्या बना दे, बोले हमें प्रधान बना दो गांव का, हम तुमको 64% रिजर्वेशन देंगे। कोई ना पूछता है भारत में कि प्रधान बनके तुम कैसे रिजर्वेशन दे दोगे, ठीक, ताली बजेगी और जिंदाबाद होगा, यही ना मसला है। बिहार में भी यही हो रहा है, कल से आंकड़ा आया, आज से शुरू हो गया कार्यक्रम, ये मसला है। मनोज यादव, राजनीति में आप क्या परिवर्तन देख रहे हैं 2014 से लेके अब तक? उत्तर प्रदेश की राजनीति एक खास दिशा में जा रही थी जिसमें विपक्ष के लोग बिल्कुल हाशिए पर चले जा रहे थे। अगर हम 22 का चुनाव छोड़ दें, विधान जो एक कंसोलेशन प्राइज हम कह सकते हैं समाजवादी के लिए, अन्यथा 14 से लेकर और अब तक
एंटायर अपोजिशन रूल्ड आउट था। अब इस नई रोशनी के तहत आप क्या देख रहे हैं, क्या बदलाव आ सकता है आपके हिसाब से? उत्तर भारत का और देश का बड़ा पत्रकार समझने के साथ साथ आपको एक सामाजिक और कैसे उत्तर भारत में सामाजिक समीकरण है उसका एक बड़ा जानकार समझता हूँ। फिर पत्रकार या एसी वाले स्टूडियो में बैठ के सवाल पूछने की ताकत थोड़े लोगों में होती है, कुछ लोगों में होती है, लेकिन आपको हर चीज मालूम है। एटा इटावा की भी बात भी मालूम है और बलिया और सोनभद्र की बात भी आप बता दें। ये आपका है अपना ज्ञान, अपनी सोच, अपनी समझ, अपना अनुभव। बात देखिए ये नहीं, आपने एक शब्द सबसे पहले कहा फर्स्ट स्टम्प में कि आर्थिक आंकड़े बिहार सरकार ने नहीं प्रस्तुत किए जाएंगे आर्थिक आंकड़े, और ये जो सर्वे हुआ है इसीलिए। और जिस वक्त आर्थिक आंकड़े प्रस्तुत होंगे उस वक्त 5.5 का भूकंप नहीं आएगा, उस वक्त भूकंप आएगा 7.8 का आएगा। रियलिटी है ये, मजाक मत समझिएगा, बहुत फैक्चुअली बात कह रहा हूं। बहुत तगड़ा भूकंप आएगा और तब बीजेपी मेरे ख्याल से निशब्द हो जाएगा। खैर, हम उसको अभी आगे की राजनीति का हिस्सा के रूप में बता रहे हैं, लेकिन महत्वपूर्ण ये है। हमारे मैथिल भाई क्यों नाराज हो रहे हैं? भैया हिंदू बनाया है, किस लिए बनाया था हिंदू? वोट लेने के लिए ना, वोट दे दिया हमने साहब, 10 साल आप प्रधानमंत्री रह लिए, हमने कोई विरोध तो नहीं किया। हमको ये पता चल गया कि हिंदू बनने से हमारा नुकसान हुआ, हमारा ना सामाजिक उत्थान हुआ, ना हमारा राजनीतिक उत्थान हुआ, ना हमारा किसी और तरीके का आर्थिक क्षेत्र का उत्थान हुआ। इसलिए आज ये जाति जनगणना देश दूसरी दिशा में जा रहा था, सत्य है। आदरणीय अखिलेश यादव जी भी दूसरी दिशा में ले जा रहे थे, वो नहीं चाह रहे थे कि हम इस तरह की राजनीति करें, लेकिन राजनीति इसलिए आपने कहा। मेरे मित्र बहुत सारी बातें बता रहे हैं, मैं कुछ आंकड़े दे रहा हूं। तो कह रहे हैं ना कि हिंदू जाति का बना रहे हैं, इसमें किसी तरीके का दोहरा नहीं। और आप अगर हिंदू किसके खिलाफ बना रहे हो, किसके खिलाफ हिंदू बना रहे हो? अपने ही देश के नागरिकों के खिलाफ हिंदू जैसा एक वर्ग खड़ा कर रहे हो, क्यों खड़ा कर रहे हो? उसका लाभ हानि बता दो, क्या है फायदे उसके? हिंदू क्यों बनाना चाहते हो? चुनाव जीतने के लिए, मंदिर बनाने के लिए, या प्रधानमंत्री मोदी को बनाए रखने के लिए क्यों हिंदू बनाना चाहते हो? अगर आप ये नहीं क्लियर कर सकते हो जनता के सामने, तो हम समझ गए कि आपके मन में छल है। और सबसे बड़ी बात, आपने महिला आरक्षण दिया, अमिताभ जी बड़ी बात कह रहा हूं, महिला आरक्षण दिया, 63% आबादी की महिलाओं को दरकिनार करके दिया। क्यों दिया भैया? अच्छा, क्या दुश्मनी थी? क्या ये 63% नहीं देते हैं क्या आपको? क्यों नहीं वोट देते हैं आपको? इन 63% की महिलाएं भी आपको वोट देती है? 63% महिलाएं उसमें नहीं जुड़ी हुई। आखिर इन 63% महिलाओं के बारे में कौन जवाब देगा? मोदी जी क्यों नहीं इस बात के लिए राजी हो रहे? आपने तय किया, आपने तय कर रहे हैं कि हमारी कोई पोल कल्पित परिकल्पना नहीं है। जिला ही तो हम कोई सब जिला जगह है, हम हकीकत में आए हैं। हकीकत क्या है देश की? इस देश में 84% से ज्यादा की आबादी जो अभी अपने मूल अधिकार के लिए, अपने राजनीतिक अधिकार के लिए, अपने सामाजिक आर्थिक अधिकार के लिए। मनोज जी अभी रुकना होगा, मनोज जी अभी रुकना होगा, अभी रुकना होगा। मैं मैथिल साहब आ रहे हैं आपके पास, आ रहे हैं। एक छोटा सा सवाल कांग्रेस से ले लूं, फिर आ रहा हूं आपके पास, आपके बता रहा हूं। एक मिनट रुको। अहमद साहब एक बात बताइए, बिहार ने एक आंकड़ा दे दिया, उस पर सरकार की मोहर लगी, सरकारी आंकड़ा है, बाकी उसके तहत जो होगा वो तो उसमें समय लगेगा। एक काम तो तत्काल हो सकता है कि जो बिहार में गठबंधन है आपका, इंडिया ना भी बनता तब भी बिहार में महागठबंधन था और ठीक ठाक महागठबंधन था, वो वहां ठाकुर ब्राह्मण कायस्थ भूमियार और बनिया ये सब मिला के 10.5% है, क्या सारे मिला के अपर कास्ट? तो क्या हम ये माने कि अब की जो महागठबंधन टिकट बांटेगा लोकसभा में, लालू की पार्टी, नीतीश जी की पार्टी और आपकी पार्टी और सीपीआई माले आले सब मिला के, वो इस आंकड़े का ख्याल रखेंगे कि भाई 63% पिछड़ों को देना है, फला इतना परसेंट इतनों को देना, जिसे दवा दी जाती ना कितनी खुराक है,
हम माने ऐसा? ये बड़ा सवाल है। नहीं जी, नहीं अमिताभ जी, बिल्कुल जायज सवाल है और यकीनन होना ऐसा ही चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। और जो आप कह रहे हैं यहाँ प्रकाश, तो कोई किसी जात के खिलाफ नहीं है। एक बात बताइए अमिताभ जी, जब 10% आरक्षण इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के नाम पे दिया गया तो पूरा देश, सारी पार्टियां एक साथ आई, किसी ने विरोध नहीं किया उस चीज का। हम लोग किसी जात के खिलाफ नहीं है, जिस तरीके से माहौल बनाया जा रहा है। लेकिन आज मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि अभी भी भाजपा के प्रवक्ता ये जवाब नहीं दे पा रहे कि वो इसके पक्ष में है या इसके खिलाफ में। और अभी एक गलत डाटा इन्होंने पेश कर दिया कि भाई 49 ओबीसी हमने चीफ मिनिस्टर बना दिए। आप 10 का नाम गिना दीजिए, मैं मान जाऊंगा। गिनवा लीजिए आप 10 चीफ मिनिस्टर का नाम, भाजपा ओबीसी बनाए, गिना दीजिए, आप गिना दीजिए भाई, नाम गिना दीजिए ना 10 का। देखिए डाटा छुपाने से काम नहीं चलेगा सूर्य प्रकाश जी, आपको इसका, आपको ये जवाब देना पड़ेगा। देखिए कि 90 में से 3 सेक्रेटरी ओबीसी क्यों है? कांग्रेस को मुलायम सिंह यादव के और लालू यादव के पुराने वीडियो देखना चाहिए, कांग्रेस की लीडरशिप को। पता नहीं किधर बयार बह रही, वो किधर घूम रहे। मैंने आज तक कोई चुनाव नहीं देखा 35 साल में जिसमें यह पूछा हो किसी वोटर ने कि भैया सेक्रेटरी कौन जात के हैं। अरे सेक्रेटरी का नाम कोई नहीं जानता, मंत्री का नाम कोई नहीं जानता, मछली पालन विभाग का मंत्री कौन है? मुलायम सिंह ने अब 1000 लोगों को मंत्री बनाया अपने कार्यकाल में, कोई नाम जानता है? वोट मुलायम सिंह को मिलता है? मिलता था? नहीं, अमिताभ जी, ये राहुल गांधी अलग डंडा लिए घूम रहे झंडा, बोले ओबीसी सेक्रेटरी। अरे भैया ऐसा है ना, अभी नहीं आएंगे, अभी मैं तो हैरान हूं। मुझे ऐसे मुंबई और दिल्ली में कहीं कॉन्स्टिट्यूएंसी बता दो जिसमें आदमी ये जानता हो अमिताभ तिवारी कि सेक्रेटरी क्या होता है। क्या वो दरोगा तब भी जानता है? क्या मछली पालन विभाग का कौन सेक्रेटरी है? हू नोस। शहरी जो एनजीओ का काम करते हैं वो ही जानते हैं, उसके अलावा कोई नहीं जानता। तिवारी जी गलत कह रहा हूं? जो एनजीओ का काम करते हैं वही जानते हैं सेक्रेटरी कौन है जो उससे कुछ फायदा ले सके। आपने कभी सेक्रेटरी को पब्लिक परसेप्शन में देखा अमिताभ तिवारी? सेक्रेटरी का नाम नहीं जानते आप जैसे कह रहे हैं, तो सेक्रेटरी कहां से पहुंचेगा जी? फिर वो सवाल उठेगा, राजीव गांधी जब प्राइम मिनिस्टर थे तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में कितने ओबीसी थे, उसका भी आंकड़ा है मेरे पास। और अव्वल तो मैं अधिकारियों से कोई बात बनती है यार, बात बनती है नेता के चेहरे से, वो किस वर्ग का है प्रतिनिधि। अखिलेश यादव चीफ मिनिस्टर थे उत्तर प्रदेश में, तो क्या सारे कलेक्टर यादव रख देंगे? नहीं ना, यादव इसलिए संतुष्ट है कि अखिलेश यादव चीफ मिनिस्टर है, बात खत्म हो गई। बेंजी चीफ मिनिस्टर रही 4 बार, ऐसा तो हुआ नहीं कि उन्होंने जाटम रख दिए कप्तानों कलेक्टर, नहीं ना। धर्मेंद्र देव मिश्रा पंडित जी महाराज नोएडा के चेयरमैन थे, मायावती जी दोबारा आई तो सरदार जी नोएडा के चेयरमैन हुए आके, कोई जाटम तो नहीं था, फिर भी उनको वोट मिला ना। कौन याद रखता है यार कि कौन से पटवारी कौन जात का है और वो सेक्रेटरी कौन जात का है। खैर मैथिल साहब, आपकी बात सैद्धांतिक है, अभी जो आप पार्टी ने रुख लिया क्या, और इस बात से आप अपने एलाइज को भी संतुष्ट नहीं कर सकते, उनको भी नहीं कह सकते कि आप भी ये बोलो कि सारे नागरिक मानव हैं और सारे मानव एक हैं विश्व भर में। ओम प्रकाश राजभर छत से कूदना पसंद करेंगे, इस बात को नहीं मान सकते। अनुप्रिया राजनीति बंद कर सकती, इस बात को नहीं स्वीकार कर सकती क्या? और संजय निषाद तो पानी के पास ही रहते, छलांग लगा देंगे अगर आपने ऐसी जबरदस्ती की क्या? जब आप उनको नहीं मनवा पा रहे तो 25 करोड़ आदमी को कैसे मनवाएंगे उत्तर प्रदेश में? मैथिल जी धन्यवाद, धन्यवाद अमिताभ जी, और आपके इन प्रश्नों का भी मैं उत्तर दूंगा, लेकिन उससे पहले ना मैं कुछ आंकड़े रखना चाहता हूं।
क्योंकि देखिए आप देश क्या रखा भैया, आंकड़ों से वोट नहीं पड़ता है। ये देश की जनता जानती है, आपने जो कहा ना मुझे मैं उसका उत्तर देना चाहता हूँ, लेकिन आंकड़ों के साथ, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आज मंच से बोला वो जमीनी हकीकत क्यों है वो मैं बताना चाहता हूँ। आप मुझे बताइए अमिताभ जी, आपने आरजेडी का नाम लिया, आपने जेडीयू का नाम लिया, आपने सपा का नाम लिया, बसपा का नाम लिया, इन सभी राजनीतिक पार्टियों की कोर विचारधारा क्या है? जातिवाद है ना, स्वीकार कीजिए कि ये जाति आधारित राजनीति करती हैं। तो बिहार के अंदर 33 साल तक लालू और नीतीश बाबू दोनों ही मुख्यमंत्री रहे, इसमें तो कोई दो राय हिसाब से हम राजनीति करते हैं। अधिकार अभी मनोज जी आपके पास आएंगे, अभी उनकी बात आ जाए, केवल मैथिल की जी बात जी, अभी रुक जाओ, अभी रुक कूदने लगे। हाँ भैया बोलो जी। तो आप देखिए, एक भारत सरकार का आंकड़ा अभी आया है जी, बिहार का 2020 से 2022 का, जिसके अंदर बिहार की जनसंख्या जो है उसमें से 25.5 करोड़ लोगों के पास रोजगार नहीं है। मैं आपके सामने भी आंकड़े लगातार रख रहा हूं। उसके अलावा बिहार की मल्टी डायमेंशन के मामले में 50% आबादी गरीब है, प्रति व्यक्ति जीडीपी आय 46,000 है जो कि देश में सबसे कम है। उसके अलावा 29,000 लोगों पर एक डॉक्टर है, 9,000 लोगों पर एक हॉस्पिटल में बेड है। उसके अलावा 40 लाख जो युवा बेरोजगार है वो बिहार में है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या ये जो आंकड़े आए हैं आज से पहले पता नहीं था क्या भैया? अगर मैं आपसे पूछूं तो 40 लाख युवा बेरोजगार है, उनमें से 63% जो आपका पिछड़ा और अति पिछड़ा है, इसका मतलब हुआ कि वो 40 लाख में से 63% युवा तो आज भी इसी समाज का है। क्या काम किया इन लोगों ने जो ये आज जाति की राजनीति कर रहे हैं? एक काम किया, 26 सितंबर को इन्होंने एक योजना लॉन्च की, मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना, जिसमें 10 लाख रुपए का ये लोन देंगे और 10 लाख के लोन में से 5 लाख रुपए सरकार को वो व्यक्ति वापस करेगा, 5 लाख सब्सिडी मिलेगी। वो सब्सिडी कौन भरेगा? वो यही बहुसंख्यक भरेगा, यही ओबीसी भरेगा, यही स्वर्ण भरेगा, और गरीब लगातार गरीब होता जाएगा। ये अपनी जाति की राजनीति से करेंगे। ठीक मैथिल जी, आगे बात आगे मनोज यादव पास में आऊंगा, अभी रुक जाए, सब लोग रुकिए, सब लोग रुकिए, एक बात स्ट्रेट रहे ताकि जनता को बात सही समझ में आए। देश में हमेशा बेरोजगार की संकट रहा, देश में हमेशा अस्पताल का संकट रहा, स्कूल का संकट रहा, आजादी से लेकर आज तक पुलिस का संकट है, पर व्यक्ति डॉक्टर की उपलब्धता में हम बहुत नीचे हैं, ये सब चीजें, लेकिन फिर भी जातियों पर आधारित पार्टियां फली जन्मी फली और फूली, फिर दोहरा दूं, जन्मी फली और फूली, इन सब आंकड़ों के बावजूद। और दूसरी बात, बिहार में भैया 20 साल से नीतीश बाबू दूल्हा हैं क्या? कई बार तो आपकी बारात में भी दूल्हा थे, तो सारा दोष लालू के सर नहीं आएगा ना फिर? ये सब स्थितियां हैं, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, लालू यादव का जब अभ्युदय हुआ था बिहार में ना, मैं दिल इस बात को थोड़ा प्रैक्टिकली होके सोचो, तब बिहार में ज्यादा गरीबी थी, मैं तब भी कवर करने जाता था, क्या 93 था या पता नहीं कौन था, अमिताभ तिवारी कौन सा सन था, वहां चुनाव हो रहा था जब ये सेशन थे इलेक्शन कमिश्नर, तब उस समय की बात कर रहा हूं, तो वहां नारा लगता था लालू भगवान की जय, तब लालू हार्वर्ड से पढ़ के तो आए नहीं थे, और ऐसा भी नहीं था कि बिहार में सब उन्हें अमन चैन कर दिया था, नहीं ना, जातियों का अपना मोह होता है, अपना प्राइड होता है, इस बात को सबको समझना, और भाजपा समझती है, ऐसा नहीं समझती, मैं इसे 10 उदाहरण दे सकता हूं जहां जाति का महत्व समझते हैं। मनोज यादव, मसला फिर वहीं आकर खड़ा हो जाता है कि हिंदू यूनिटी वर्सेज कास्ट बेस्ड सिस्टम,
मुझे लग रहा आने वाले दिनों में, आज प्रधानमंत्री को जब मैंने सुना और कल से जो मैं इंडिया के नेताओं को सुन रहा हूं, मुझे समझ आता है लड़ाई इस पर होने वाली है। अब कोर इशू ये होगा कास्ट बेस्ड सिस्टम, ठीक, जो आप लोग लालू यादव, नीतीश कुमार, अखिलेश यादव सब, मायावती एंड ऑल, और दूसरा है बीजेपी जो प्रधानमंत्री की लाइन को टो करेगी के सारे हिंदू एक हैं, ये हिंदुओं को तोड़ने की साजिश है। जी जी बिल्कुल अमिताभ जी, आपने सही कहा कि बीजेपी हिंदुत्व की बात करेगी, करे ये हम स्वागत करते हैं। आप हिंदुत्व की बात करिए, हिंदू के नाम पे वोट मांगिए, हम आपसे कोई सवाल नहीं करेंगे। लेकिन सवाल वाजिब ये है, जब मैथिल ये आरोप लगा रहे हैं बिहार का आंकड़ा प्रस्तुत कर रहे हैं, तो 15 साल सरकार आपके साथ चलाई, आपने क्या किया? और पिछले 10 सालों में सबसे ज्यादा सांसद आपके आपकी पार्टी के रहे, आपने क्या किया? और प्रधानमंत्री विशेष पैकेज देने गए थे बिहार को, वो पैकेज देके क्यों 50% गरीबी नहीं खत्म की? मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ, और ये कपोल कल्पित सवाल नहीं है, ये प्रधानमंत्री बीजेपी मौजूदा सत्ता के द्वारा उत्पादित किए सवाल है। और आप सवाल उठा रहे हो किस पे? लालू प्रसाद जी पे सवाल उठा रहे हो, तेजस्वी जी पे सवाल उठा रहे हो, नीतीश जी पे क्यों उठा रहे हो भाई? कौन सा उनका गुनाह है कि वो दूसरी विचारधारा के साथ राजनीति कर रहे हैं? और जातीय जनगणना हम इसलिए नहीं करा रहे कि भारत को विखंडित करें, हम इसलिए चला रहे हैं कि अधिकार सबका मिले, क्योंकि 73% लोगों के जो पैसा है, 73% लोगों के पास इस देश का बहुत कम पैसा है, और कितने 3% लोगों के पास 73% पैसा पहुंच गया। कैसे? ये कौन सा जादू चलाया 10 साल में कि गरीब गरीब होता जा रहा है? ठीक है मनु बाबू, ठीक है, ये आर्थिक फैसला किस दिन आएंगे? ठीक है, अभी रुकना होगा। तमजीद अहमद साहब, जो मैंने बात मनोज यादव से पूछी, मुझे लगता है अब दो नैरेटिव आमने सामने लड़ेंगे, ठीक, एक हिंदू यूनिटी और एक सो कॉल्ड सोशल जस्टिस, या यू कह लीजिए पिछड़ों की एकता, या इस तरह का एक नैरेटिव होगा। दो नैरेटिव लड़ेंगे क्या? क्योंकि राहुल जी ने, मुझे लग रहा है, ये गंगा जल हाथ में लेके शपथ ले लिए कि मैं हर दिन ये ट्वीट जरूर करूंगा, 3 OBC सेक्रेटरी। देखिए अमिताभ जी, मुझे तो मौका कम मिल पाया, क्योंकि जब मैं बोलने लगता हूं तो भाजपा भी बोल नहीं सकती। बहरहाल जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि सीधी सी बात ये है कि यहां ना कोई नैरेटिव ही नहीं है। हम आज ये भाजपा हिंदू की बात कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अगर जातिवादी कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी खुद है, जो ये बताता था 2014 के चुनाव में कि पहले ओबीसी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी होने जा रहे हैं, जिन्होंने राष्ट्रपति की जात बता दी, जिन्होंने मिनिस्टर की जात बकायदा उनके पोर्टफोलियो के सामने लिखा, जब ये कैंडिडेट रिलीज करते तो उनकी जात लिखी जाती है, और आज ये जातिवाद के खिलाफ बात कर रहे हैं। मैं तो बड़ा आश्चर्यचकित हूं। मैं वाकई बता रहा हूं, 2 दिन से जिस तरीके से भाजपा इस जाति जनगणना का विरोध में उतरी है, अभी भी हम लोग समझ में नहीं आ पा रहे हैं कि जो कि इतनी खुद भाजपा जातिवादी पार्टी है, वो ऐसा विरोध क्यों कर रही, समझ में नहीं आ रहा है। अब सवाल ये उठता है कि अभी तक सूर्य प्रकाश जी ने ये जवाब अभी तक नहीं दिया पूरे शो में कि जाति जनगणना के पक्ष में है या खिलाफ में है, एकदम स्पष्ट इनको जानकारी दे देनी चाहिए। हालांकि सवाल बहुत सारे हैं, लोगों ने तो यह पूछना शुरू कर दिया है कि जो हर साल यूपीएससी में जो भर्ती हो रही, लेटरल एंट्री सीधी भर्ती हो रही है, उसमें भी जाति की आप लोग घोषित कीजिए कि किस जात के लोग उसमें सीधे भर्ती हो रहे हैं। लोग तो यह भी सवाल पूछ रहे हैं अब कि वो किस जात के लोग हैं, तो वो जाति जनगणना भी इनको जारी करना चाहिए कि तो इससे इनकी स्पष्ट हो जाए। अहमद साहब, ये पिछड़े वर्ग के साथ है या पिछड़े वर्ग के खिलाफ है, या सिर्फ हिंदू के नाम पे ये लोगों को एक करके फिर से कुछ लोगों को एक जाति जो अमीर जाति बन गई है, जैसे लेकिन एक बात ये भी है, ये तो आंकड़े जिसके जारी करें, सब मांग आपकी ठीक ही होगी, लेकिन एक मांग कांग्रेस से भी होनी होगी देश में कि सिद्धरमैया जब पहले चीफ मिनिस्टर थे तो जो वो सर्वे कराए थे वो फाइल घर में क्यों ले गए? तब ओबीसी नहीं दिखाई दिया? कांग्रेस को भी अपने थोड़ा पुराने जो गड़बड़ काम है उनको दुरुस्त करना पड़ेगा भाई साहब। केवल ट्वीट करने से पार्टी की गति नहीं सुधरेगी। लिख लो मेरी बात, हम आप यही हैं, ना हम भागे जा रहे ना आप, ठीक, ट्वीट करने से वोट मिलता होता तो हो जाता काम। खैर, अमिताभ तिवारी, दो नैरेटिव दिख रहे हैं आपको अब लड़ते हुए, हिंदू यूनिटी, आज प्राइम मिनिस्टर का फोकस उस पर था कि कांग्रेस, जब वो कांग्रेस बोलते हैं तो ऑब्वियसली उनका मैसेज होता है कि एंटायर INDIA, उन्होंने कहा कांग्रेस जातियों का खेल खेल के हिंदुओं को कमजोर करना चाहती है,
मैसेज क्लियर कर दिया कि वो किस प्लैंक पर खड़ी होगी बीजेपी, और दूसरा इन लोगों ने भी क्लियर कर दिया नीतीश बाबू के दस्तावेज पर। इन दो नैरेटिव्स के बीच में 24 का चुनाव जाएगा जी। तो हिंदू हिंदू यूनिटी प्लस राष्ट्रवाद वर्सेस सोशल जस्टिस, इसमें एक बात इम्पोर्टेंट है कि जाति की जो महत्ता है, 55% भारत में अपने जाति के लीडर को प्रेफर करते हैं, एक अजीज प्रेमजी यूनिवर्सिटी का सर्वे। और दूसरी बात इसमें एक ये है अमिताभ जी कि भाजपा ने पिछले 10 सालों में कास्ट पॉलिटिक्स में एक सोशियो इकोनॉमिक क्लास का तड़का लगाया है, ये जो लाभार्थी वोट बैंक पॉलिटिक्स है। तो एक आइडेंटिटी का सवाल है लोगों के दिमाग में। जब वोटर वोट करने जाता है, मान लीजिए कोई ओबीसी एससी एसटी वोट करने जाता है जी, तो वो ओबीसी एससी एसटी है या गरीब है? आज गरीब पे भी प्रधानमंत्री ने फोकस किया है, तो सोशियो इकोनॉमिक क्लास भी एक बहुत बड़ा मुद्दा हो गया है। इसकी वजह से जो पॉलिटिक्स है वो कास्ट और क्लास के इंटरसेक्शन में इतनी कॉम्प्लेक्स हो गई है कि बहुत डिफिकल्ट है ये कहना कि किसका नैरेटिव चलेगा। भाजपा क्लियरली हिंदू यूनिटी प्लस राष्ट्रवाद और ये लाभार्थी वोट बैंक जिसने कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रोल प्ले किया है जाति को काटने में, उसके ऊपर चुनाव पे फोकस करने वाले। जो बात तिवारी जी ने कही वो बात एक हद तक सही, लेकिन मैं उसमें एक बात जरूर कहूंगा कि जब मंडल लागू हुआ तो दो उग्र धाराएं चली, इस वक्त इतनी उग्र नहीं है क्या, इस वक्त ल्यूक वॉर्म है क्या, गुनगुनी उस उस वक्त प्रचंड अग्नि जल रही थी दोनों तरफ, जैसे होली जलती, होलिका दहन था, एक तरफ मंडल दूसरी तरफ कमंडल, क्या दोनों फले फूले तिवारी जी, इस बात को ध्यान रखिए, क्या दोनों फले फूले, जनता ने दोनों को आशीर्वाद दिया, दोनों से नेता निकले और दोनों ने राज किया, क्या एक चीज, इस बात को ध्यान रखना होगा, ये एक थीसिस है भारत के सामाजिक जीवन की। दूसरी बात मैं कहता हूं कि आरक्षण कितना बड़ा और सेंसिटिव विषय है, गणना महत्वपूर्ण नहीं है, लोग अभी भटक रहे हैं, क्या गणना पढ़ना तो कागज है, इससे कोई लेना देना नहीं। अब जो मांग पैदा होगी वो मांग पॉलिटिकल क्लाउड पैदा करेगी, क्या 63% 27 में क्यों रहे? अमिताभ तिवारी जैसे बुद्धिमान लोग कहेंगे देखिए सर इस मांग को हो नहीं सकता, ये परमिसिबल नहीं है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट संविधान पीठ, दिस नेता को इन सब से क्या लेना देना, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, संविधान पीठ क्या करी, और जो सुनने आता भाषण वो जानता सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, 500 पन्ने अंग्रेजी में क्या लिखे थे जानता है, गजब कर रहा। मैंने कहा मनोज यादव अगर खड़े होकर कहेंगे कि हमको जिताओ पटियाली से 70% आरक्षण पाओ, कौन रोक लेगा इनको बोलने से, मुकदमा करा दोगे क्या? और ये नारा तो बड़ा ल्योर करता है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये कांशीराम ने कॉइन किया था नारा, क्या मायावती जी के बाद में अपने हिसाब किताब जो भी रहे हो उन्होंने पार्टी नहीं ठीक से चला पाई, लेकिन कांशीराम ने तो पार्टी को बड़ी धारदार पार्टी बना दिया था। मैंने उनका टेरर देखा सपा से लेके और दक्षिण तक के मुख्यमंत्रियों के मन में कांशीराम जी का, क्या कांशीराम आंध्र के दौरे पर जाने वाले थे, एक महीना पहले आंध्र के कांग्रेसी मुख्यमंत्री ने सारी मांगे स्वीकार कर ली उनकी, क्या कि आगे बवाल ना कर दें, वो तो 100% जात की राजनीति करते थे, बाकी कोई फिलोसफी देते ही नहीं थे, क्या बने ना। इसलिए मैं इस बात से सहमत नहीं कि नहीं इस देश में सब बदल सकता है, जात बदल, अगर इतनी छोटी चीज होती तो जब हमने धर्म परिवर्तन की इजाजत दी तो जात परिवर्तन की भी दे देते कि भाई तहसीलदार के यहां जाओ अपनी जात बदल लो, क्या अमिताभ तिवारी अमिताभ यादव हो जाए, मनोज तिवारी हो जाए, तहसीलदार को 100 रुपया दो और लिखवा लाओ, कोई समस्या थी करने में नहीं ना। जात तो मरने पर भी पीछा नहीं छोड़ती, नहीं धर्म दिन भर बदलो कोई दिक्कत नहीं कानूनी तौर पर, जात तो न कानून से बदले न सामाजिकता से बदले। तब मेरा ऐसा मानना है कि यह मुद्दा
भागीदारी पर आकर टिकेगा। जैसे मैं कड़वी बात कहूंगा लेकिन व्यवहारिक बात है, बोलना तो बोलना चाहिए। बिहार में अभी तक सब पार्टियों के लिए कह रहा हूं तिवारी जी, आप तो सेफोलॉजिस्ट भी हैं, थोड़ा ध्यान देखिए दीजिएगा इस पर। बिहार में कोई पार्टी हो, इंक्लूडिंग बीजेपी कह रहा हूं, बीजेपी को भी शामिल कर रहा हूं जो अभी इस लाइन से हट रही है, मेरी बात की आजमाइश बिहार में हो जाएगी कि मैं समझ पाया था इस विषय को कि नहीं। ब्राह्मण, ठाकुर, लाला और भूमियार और कायस्त, इनको न्यूनतम टिकट मिलेंगी अब क्या? बीजेपी भी, जबकि अभी बीजेपी की सारी बड़ी लीडरशिप ब्रजकिशोर सिन्हा से लेकर रविशंकर तक, सब गिरिराज तक, सब अपर कास्ट है क्या? लेकिन उनको भी पता लग गया कि 10:30 में सब हो क्या? तब ये कड़वी सच्चाई है मित्र। और जो लोग बड़ी बड़ी बातें ज्ञान की देते, मैंने तो सब पार्टियों के बड़े नेताओं के साथ बैठकर देखा, एक पत्रकार के नाते उम्मीदवारों के उस पर देखा, चयन का क्राइटेरिया क्या होता है तिवारी जी, क्या वो बात यहां कहना नहीं चाहता, सब में वही बात है क्या? बोले नहीं यार, आदमी ठीक है लेकिन लड़ा कैसे दें, इसकी जात के पास 20,000 वोट नहीं है क्या? और मैंने ऐसे ऐसे सिद्धहस्त डॉक्टर जैसे होते ना, नब्ज देख के बता दे, ऐसे ऐसे सिद्धहस्त, मैं नाम नहीं लूंगा, एक नेता इतने सिद्धहस्त थे, हम गए, हमने भाई मनोज यादव को टिकट दे दो यहां से, तो बोले हाँ भाई मनोज कहां से हो? बोले साहब फलानी जगह से। वहां कितना है यादव? बोले इतना। कितना तुमको दे देगा? बोले सर 90%। बोले झूठ बोलते, तुम्हारे को देख के लगता नहीं 90 देगा, लेकिन हाँ 60% दे देगा। बोले यार इतना इतना इतना, एक मिनट ऐसे ऐसे किया। बोले नहीं, निकाल लेगा सीट, या कहा हमको जाना पड़ेगा एक बार लेकिन निकाल लेगा सीट, बाकी हम कर देंगे क्या? ये गणित है, ये कोई लंदन की कहानी थोड़े ना बता रहा, यूपी की बता रहा। और जातियों के आइकॉन टिकते हैं, विकास भी चाहिए लेकिन जाति स्वाभिमान भी एक बड़ी चीज। शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन क्या है? प्राइड है ना वहां का, ट्राइबल्स का। और जो बातें मैथिल साहब ने कही वो सारी बातें सच है बिहार में, हम भी जानते हैं क्या? लेकिन ना तिवारी जी, एम और वाई मिला के 32% है बिहार में क्या, मुसलमान और यादव, उसमें लालू से बड़ा नेता पिछले 40 साल में कोई पैदा तो नहीं हो पाया। अस्पताल बना नहीं बना छोड़ दो क्या, कि कोई पैदा हुआ उसका नाम बताओ, नहीं ना। नंद किशोर यादव भाजपा ने अध्यक्ष बना दिया बिहार में एक बार, लेकिन वो लालू यादव का विकल्प नहीं हो पाए। कांग्रेस के बलराम सिंह यादव उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह का विकल्प नहीं हो पाए, नेता वो भी पड़े थे, चांदी की डिब्बी में चुनाई रखते थे और चूना चांदी की डिब्बी में क्या, लेकिन वो मुलायम सिंह नहीं हो पाए, कास्ट ने मुलायम सिंह को अपना चेहरा चुना। जातियां अपना चेहरा चुनती हैं, ऐसा नहीं कि सब उस जात के हैं नेता तो सबको नेता मान लेना, वो चुनेंगी। आज भी तमाम ऑड्स के बावजूद मायावती जी दलितों की एक सबसे प्रभावशाली जाति की सबसे बड़ी नेता हैं, मेरी बात लिख लीजिए, उनसे बड़ा नेता कोई नहीं उस जाति का, ये उनकी ताकत है। और विकास की भूख होती है, सबको होती है, लेकिन मैंने पूछा लोगों से तिवारी जी, नाम नहीं लूंगा, कि भाई फलाने नेता को क्यों इतना बड़ा मानते हो? तो उनने कहा भैया ठीक है, बाकी सड़क अस्पताल चौकी कचहरी सब ठीक है, महंगाई और सस्ता, लेकिन ये है कि पहले थाने जाते थे तो थानेदार मुर्गा बना देता था क्या? आप कहते चौधरी साहब आओ बताओ क्या क्या है क्या? वो कहता इतने मेरे लिए तर गए, हम बहुत हो लिया क्या? मैंने जब बसपा का उत्तर प्रदेश में उभार हुआ तो मैंने बसपा के जनाधार वाले लोगों से जब बात की, जब मायावती जी 2-3 बार चीफ मिनिस्टर रही ली तिवारी जी, तो वो लोग भावुक हो जाते थे, आंख से आंसू आ जाते थे क्या? वो कहते छोड़ो भाई साहब कौन सा क्या बना नहीं बना क्या,
हमें कोई घुसने देता था? अब एसडीएम के यहां भी वो कहते हैं कि मतलब कुर्सी लो भैया बैठो, बताओ क्या। ये भी एक विषय है भारत की राजनीति में, जान लीजिए। सारी बातें अच्छी हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी खोल दो आप यहां बलिया में, वो भी अच्छा है। लेकिन जो लोग हजारों साल से वंचित रहे हैं सामाजिक पहचान के लिए, क्या आर्थिक पक्ष एक है लेकिन सामाजिक पहचान भी उतना ही बड़ा पक्ष है, उसके भी लड़ाई उतनी ही शार्प है। ये भारत का इलेक्टोरल प्रोसेस जो है वो हमको बताता है। लोग चाहते हैं कि हमको सामाजिक तौर पर पहचान तो मिले। और उत्तर प्रदेश में भी कमोबेश आंकड़ा ऐसा ही होगा, पिछड़ों का कुछ कम हो सकता है लेकिन ज्यादा कम नहीं होगा कमोबेश। लेकिन सबसे बड़ा संकट यहां भी फिर उन्हीं पर आ जाएगा जो चार सवर्ण जातियां हैं बड़ी, उनको सपा में भी टिकट मिलना मुश्किल हो जाएगा। क्या अखिलेश जी कहेंगे भैया तुमको जिता क्या करें, क्या टिकट देख कर बताओ, अभी तो सब शामिल वाजा में चल रहा है। क्या फिर सोचना पड़ा भाई माता प्रसाद को काय को बनाया अध्यक्ष, जब माता प्रसाद की जात का आदमी 2% है तो अध्यक्ष की कुर्सी ब्लॉक कर दे क्या? जनेश्वर जी को राज्यसभा क्यों भेजे? ये कड़वा सच है अमिताभ तिवारी, नोट कर लीजिएगा, बिहार से इसकी शुरुआत होगी। टिकटों में सबसे ज्यादा मारामारी होगी अभी टिकटों में। इसका आर्थिक पक्ष क्या होगा, विकास कब होगा, वो तो भगवान जाने। लेकिन राजनीतिक संघर्ष तो कल से शुरू हो जाएगा। जो बात कही गई कि कितने परसेंट आबादी और कितने विधायक हैं और कितने सांसद हैं, ये मसला बड़ा हो जाएगा क्या। और इसमें हाँ ये भी है, कुछ प्रतिभाशाली लोगों की भी कुर्बानी हो सकती है जाति के कारण। वो प्रतिभाशाली हो सकते हैं लोग, लेकिन उनकी जात का नंबर अगर नहीं होगा तो फिर वो मुश्किल होगा उनको कैरी करना। फिर वो सलाहकार बना के रखे जा सकते हैं, एडवाइजर। लोकसभा लड़ना मुश्किल हो जाएगा, मनोज जी समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं। विधानसभा लड़ना मुश्किल हो जाएगा, कांग्रेस के लिए भी मुश्किल हो जाएगा टिकट देना। क्या बांदा में एक रैली हुई थी राहुल गांधी, उसमें गए थे अहमद साहब क्या, तो उसमें उन्होंने सैम पित्रोदा की जात बताई थी, कहा था बढ़ई है। तब मैं पहली बार जाना कि सैम पित्रोदा बढ़ई है, उनका नाम देख के हम तो समझते थे अंग्रेज हैं। तो आखिर राहुल गांधी उनकी जात ऐसे नहीं खोज के लाए सैम पित्रोदा की क्या, वरना सैम नाम तो कभी यूपी बिहार में किसी ने रखा ही नहीं। और पित्रोदा ये भी नाम कोई नहीं जानता, पित्रोदा उच्चारण नहीं कर सकता आदमी। अब वो रहते भी विदेश में ही है, बाल लाल भी ऐसे कटाए हैं, लेकिन राहुल जी ने बताया कि बढ़ई है, हमने इनको आगे बढ़ाया। जात की महत्ता यहां से समझ में आती है। 7 समुंदर पार झंडा गाड़ दिए तिवारी जी सैम पित्रोदा क्या, लेकिन मोक्ष कब मिला, जब बांदा में ये बताया गया कि बढ़ई है क्या, उससे पहले मोक्ष नहीं मिला। ये है भारत की राजनीति। धन्यवाद।